नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल फोर पॉइंट ट्वेल्व है और ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जो हमको ध्यान से समझना है क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है सर्क्युलरिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइन स्मूथ होरिजोनटल प्लेन कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न अराउंड इट सेल्फ ओके मतलब कि अगर ये लूप ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है जिसमें ऐसा आई करंट फ्लो हो रहा है ओके okay? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा b और अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएं क्या बोला है उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रख सकते हैं कि ये खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाए टर्न अराउंड इटसेल्फ तो वो पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर टॉर्क जो होता है वो होता है m यहां हम लिख सकते हैं i ए क्रॉस बी आई ए क्रॉस बी तो अगर हम टॉर्क जो है वो ए डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होगा टॉर्क हमेशा A के परपेंडिकुलर ही पॉसिबल होगा दिस टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए और यहां पर टॉर्क ए की डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर किधर होगा एरिया वेक्टर एक्स की एक्सिस के अला होगा वर्टिकल एक्सिस के अला इधर ही, इधर ही एरिया वेक्टर भी होगा ओके okay. तो एरिया वेक्टर और टॉर्क वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको इसकी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही इसकी एक्सिस के अबाउट ही इसको रोटेट करना है वो पॉसिबल नहीं होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल ओके Not possible. और अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे जो एनसीआर में गिवन है तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सोल्यूशन yeah, हमने स्क्रीन uh, पर इसलिए रख रखा है ताकि हर एक वर्ड को हम बहुत आसानी से आपको समझा सके और आप बहुत ईजिली हर एक वर्ड को समझ सके लिखा है नो बिकॉज दैट वुड रिक्वायर टॉर्क टू बी वर्टिकल डायरेक्शन है ना उसकी एक्सिस के अलाउंग टॉर्क का डायरेक्शन होना चाहिए ठीक है बट दिस टॉर्क टल ऑफ द होरिजोन लूप इज वर्टिकल वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा और वो पॉसिबल नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल ए जो पार्ट है इसका आंसर होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टॉर्क वी कैन नॉट एबल टू जनरेट टॉर्क इन वर्टिकल डायरेक्शन ओके, इट इज ऑलवेज द एरिया वेक्टर बी पार्ट हम यहां पर देखते हैं बी में क्या गिवन है? बी uh, क्वेश्चन में गिवन है, अ करंट कैरिंग लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द लूप इज फ्री टू टर्न वट इज इट्स ओरिएंटेशन ओके ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम शो दैट द ओरिएटेशन एंड द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड एक्सटर्नल प्लस द फील्ड प्रोड्यूस बाई द लूप इज मैम डेफिनेटली अगर हमने ऐसा हॉरिजोटल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ओके होरिजोनटल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा लूप रखा हुआ है मतलब एरिया वैक्टर जो है इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा जिसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिबियम कंडीशन क्या कहेंगे टॉर्क जीरो होगा जिसे हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है टॉर्क का फॉर्मूला है आई एन बी ए साइन थीटा तो थीटा का वैल्यू अगर जीरो डिग्री है तो टॉर्क भी यहां पर कितना होगा जीरो डिग्री यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी शो दैट इट्स ओरिएंटेशन द फ्लक्स इज मैक्सिमम ओके okay, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो फ्लक्स है अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा b इंटू ए इंटू कॉस जीरो डिग्री और कॉस जीरो कितना होता है मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम पास होगा मैग्नेटिक okay, फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम पास होगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन है है ना और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और खुद का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का डायरेक्शन

सो दैट मैग्जिम मैगजिमम फ्लक्स कैन पास मैगजिमम फ्लक्स कैन पास क्योंकि मैग्जिम फ्लक्स उससे पास होगा इसलिए वो खुद के ऊपर एक टेंशन लगाएगा और वो एक सर्कुलर लूप बना लेगा क्योंकि सर्कल एक ऐसा शेप है जिसका एरिया मैग्जिम होता है सर्कल ऐसा शेप है जिसका एरिया सबसे ज्यादा होता है तो यहाँ पर इसका सी पार्ट हम यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं वही इन्होंने भी लिख रखा है आंसर में लिखा है इट इज अज्यूम इट अज्यूम्स सर्कुलर शेप विथ इट्स अ प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स ओके वहां पर उसे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा सिंस फॉर गिवन पैरामीटर सर्कल इनक्लोजेज ग्रेटर एरिया देन एनी अदर शेप सर्कल जो होगा वो सबसे ज्यादा एरिया इंक्लोज करेगा किसी भी दूसरे शेप के कंपैरिजन में है ना तो यहाँ पर ए वाला पार्ट बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं